बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली जमीर हियर, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज कुछ दोस्त जो आयरलैंड जाना चाहते हैं उनके हवाले से मुकम्मल डिटेल के साथ एक वीडियो लेके आया हूँ। जो दोस्त आयरलैंड जाना चाहते हैं, जो MBBS कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ MBBS डॉक्टर्स के लिए है, नर्सिस का पाथवे भी ये नहीं है, और डेंटिस्ट, पाकिस्तानी डेंटिस्ट, आई थिंक सो, आयरलैंड नहीं जा सकते। MBBS जिनका कंप्लीट हो चुका है या कर रहे हैं, वो ये वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन पाथवे मिलेगा। दोस्तों, इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं पहले तो सारे स्टेप्स आपको बता दूं। इसके स्टेप्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, आपकी हाउस जॉब। MBBS करने के बाद अपनी हाउस जॉब करें, और हाउस जॉब करने के बाद आपने उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाउस जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने PMDC की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर अप्लाई करना है। PMDC से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है हाउस जॉब का, और ये कैसे लेना है ये मैं आगे बता दूंगा। फिर आपने OET आइट्स के लिए अप्लाई करना है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, OET आइट्स वो देना है। फिर आपने एपिक अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आपने IMC अकाउंट में अप्लाई करना है, IMC अकाउंट बनाना है, और फिर आपने टेस्टेड OET और पासपोर्ट कॉपी आपने IMC को बाय पोस्ट आपने खुद से आयरलैंड भेजना है। ये जो है एक जनरल कैटेगरी रजिस्ट्रेशन है, उसमें ये ऐसा है कि वो मुल्क जिनका एग्जाम नहीं है, एग्जाम इनका एग्जम्प्ट हो गया है। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं देना। अगर किसी ने MBBS अपना 2008 के बाद इन मुल्कों से किया है, तो वो कोई एग्जाम नहीं देगा। पहला पाकिस्तान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा साउथ अफ्रीका, पांचवा सूडान, और छठा मलेशिया। इवन इंडिया से भी जिसने किया है वो भी एग्जाम देगा, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए कोई एग्जाम नहीं है। अब सवाल यह है कि हाउ वी कैन अप्लाई फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम PMDC, ताकि वो हमें हाउस जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दें। तो सबसे पहले तो आपने 12 महीने की अपनी हाउस जॉब करनी है। 12 महीने की हाउस जॉब में आपके 3 महीने जनरल मेडिसिन और 3 महीने जनरल सर्जरी के होंगे। बाकी जो 6 महीने बचते हैं, उनमें से जो नीचे आपको स्पेशलिटीज बता रहा हूँ, उनमें से कम 2 महीने, एक में कोई से आपने 3 चूज कर लें, 2 2 महीने की उनमें कर लें, या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, यानी किसी एक में 4 महीने और फिर एक में 2 महीने आप कर सकते हैं। तो ये आप 6 महीने इस तरह से कंप्लीट करें। तो 6 महीने हो गए आपके, 3 महीने जनरल मेडिसिन, 6 और 3 महीने आपके हो गए जनरल सर्जरी के, और बाकी 6 महीने में से आप या 2 2 महीने की 3 कर लें, या फिर 4 महीने एक के और 2 महीने एक के, 4 महीने से ज्यादा ना हो, जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल प्रैक्टिस, गाइनी, ऑब्स, पीड्स, साइकेट्री, एनेस्थीजिया और रेडियोलॉजी आते हैं। अब आपने ये हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट PMDC की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, और वो आपको कुछ दिनों में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। अब आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ गया PMDC का, जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ गया। अब आपने अप्लाई करना है OET या आइट्स, ये आपकी च्वाइस है, आप OET करें या आइट्स करें। तो जैसे ही आपने OET आइट बुक करना है, उसके बाद आपने उसकी तैयारी करनी है और फिर एग्जाम देना है। अब OET में आपने कम से कम बी ग्रेड तक मार्क्स लेने हैं, और अगर आप आइट्स करते हैं तो आपने 7 ईच लेने हैं। अगर यहां पर आप रह जाते हैं तो फिर दोबारा इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके लिए लाजमी शर्त है। स्टेप 3 आता है, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोसीजर यू मस्ट हैव द स्कैंड कॉपी ऑफ ID पेज ऑफ योर पासपोर्ट, और एक रिसेंट आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी जिसकी स्कैंड कॉपी आपके पास होगी। तो आपने स्कैन कॉपी किस किस की करवानी है, पासपोर्ट का पहला पेज, फिर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, और फिर आपने अपनी MBBS डिग्री, और फिर आपने ये अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी अपना देना है, एक क्रेडिट कार्ड भी स्कैन करके भेजना है जिससे आपने एप्लीकेशन फीस पे करनी है, और फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, घर का एड्रेस, जिस कॉलेज से आपने MBBS किया उस कॉलेज का एड्रेस और उनका ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपने, ये एक फाइल तैयार करनी है स्कैन कॉपीज की, जो आपने अपने पास महफूज कर लेनी है। उसके बाद आपने इंटरनेट पे जाना है और एपिक अकाउंट लिखना है। गूगल पे एपिक अकाउंट लिखें तो एपिक अकाउंट आपके सामने एक आ जाएगा, वहां पे अपना अकाउंट बनाएं, उनकी एक फीस होती है, वो फीस पे करें। और एक बात ध्यान में रखिए कि आपने PMDC को भी बताना है कि मैं आयरलैंड जाना चाहता हूँ, मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। आपने एपिक अकाउंट वालों को भी बताना है कि मैं आयरलैंड के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहता हूँ। तो वो एपिक अकाउंट की वेरिफिकेशन आपकी होगी, आपने उसकी फीस पे करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड कर देने। अब इसके रजिस्ट्रेशन फीस है 400 यूरो, ठीक है। उसके बाद आपका एपिक अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे और आपने फीस पे कर दी। इस दौरान आपने अपना गुड करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है PMDC से। PMDC को आपने एक एप्लीकेशन देनी है ऑनलाइन कि मैं आयरलैंड जाना चाहता हूँ, मुझे गुड करेक्टर सर्टिफिकेट दें, तो वो आपके इंस्टीट्यूट से रब्ता करके आपको एक गुड करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। ये सारा जो प्रोसीजर है अभी तक का तकरीबन 7 से 8 महीने लेगा कि आपका गुड करेक्टर सर्टिफिकेट भी आ गया, एपिक अकाउंट वेरिफिकेशन भी हो गई। अब आपने करना ऐसा है कि अपने 10 साल का पासपोर्ट बनवाना है,
और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी तगड़ी लगानी है। बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट आपने बनाने के बाद फिर क्या करना? जैसे ही आपने बैंक स्टेटमेंट बनवा ली और अपना 10 साल का पासपोर्ट ले लिया, अब आपने आयरलैंड की आयरिश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है और वहां पर अपना अकाउंट बनाना है। अपना अकाउंट बनाने के बाद आपने एपिक अकाउंट वालों को पहले बताया हुआ था और पीएमडीसी को कि मैंने आयरलैंड जाना है, तो वहां पे उसका लिंक डाल दें और उनको बता दें कि मेरी एपिक वेरिफिकेशन हो चुकी है। वो फिर एपिक से भी और पीएमडीसी से भी आयरलैंड वाले रابطہ करेंगे और वो रابطہ करके कहेंगे कि ये डॉक्टर है जो आयरलैंड आना चाहता है, तो एपिक वाले बोलेंगे कि ये वेरीफाइड है, पीएमडीसी वाले बोलेंगे ये वेरीफाइड है, तो ये डॉक्यूमेंट्स ले आपके ओके हो जाएंगे। उस दौरान जैसे ही आपकी ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, आपने ये एपिक अकाउंट का लिंक और ये चीजें जो हैं अपने पास सेव रखनी है और फिर आपने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जॉब्स अप्लाई करनी है। तो ये साल में दो दफा जॉब्स आती हैं, एक दफा आई थिंक सो जुलाई में आती है, जुलाई इनटेक होता है और फिर एक मार्च या अप्रैल इनटेक होता है। तो दो आपके ये इनटेक्स हैं, गालिबन दिसंबर इनटेक होता है, तो ये मुझे कंफर्म नहीं है। मुख्तसर ये कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट वेरीफाइड करवा के अपने पास महफूज कर ली और आपने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आयरलैंड में जॉब्स अप्लाई कर ली। अब ऐसा है कि जैसे ही आपको कहीं से कॉल आती है, आपका अकाउंट वेरीफाइड है, आपको आयरलैंड वाले ओके कर देते हैं कि नाउ यू कैन कम टू आयरलैंड, तो आपके पास जॉब की टेंशन नहीं होगी, जॉब आपकी पड़ी होगी पहले से, तो आपने फ्लाइट लेके वीजा आपको मिल जाएगा, आपने आयरलैंड मूव कर जाना। अब पहला सवाल यह कि आयरलैंड क्यों जाना चाहिए? आयरलैंड इसलिए जाना चाहिए, जो बच्चे, जो डॉक्टर्स, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स फाइनेंशियली तौर पर डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, जैसे आज एक दोस्त की मुझे कॉल आई और वो भी परेशान थे कि शादी भी हो गई और फैमिली का बड़ा प्रेशर है, तो मैं क्या करूं, मैं आगे मजीद पढ़ भी नहीं सकता, मेरे पास इतने एक्सपेंसिव नहीं हो रहे, मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे भी एक गुजारिश की कि अगर आप आयरलैंड जाना चाहते हैं या किसी दो तीन और मुल्कों को डिस्कस किया, तो आयरलैंड का ये प्रोसीजर है। अब आपने आयरलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका आयरलैंड ओके हो गया, अब आप आयरलैंड जा सकते हैं। आपको आयरलैंड क्यों जाना चाहिए? जो दोस्त आगे यूएसएमएलई और प्लेब देना चाहते हैं या एएमसी देना चाहते हैं, तो उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो अगर आपके वसाइल इस चीज की इजाजत नहीं देते, तो आप आयरलैंड में जाके काम करें, वहां से पैसा कमाएं, पैसा कमा के वो फीस पे करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें, तो आयरलैंड में बैठ के आप यूएसएमएलई, प्लेब और एएमसी और इस तरह के एग्जाम्स देकर आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैंने आयरलैंड में रहना है, तो आप आयरलैंड में भी रह सकते हैं। अब ये कि पीजी शिप की बात आती है कि आयरलैंड में पीजी शिप कैसे करें, तो ये एक बहुत लेंथी और मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि उनके अपने डॉक्टर्स पहले होते हैं, वो उसके बाद आपको बाद में सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो आप जनरल फिजिशियन के तौर पर काम करते हैं वहां पर। अब यह कि आयरलैंड क्यों नहीं जाना चाहिए, तो यह बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह ध्यान में रखिए, सिर्फ 6 महीने एक जगह पे काम करना है, 6 महीने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो आपने नई जॉब ढूंढनी है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आपने हर 6 महीने के बाद जॉब ढूंढनी है, और फिर आपने सिर्फ जॉब नहीं ढूंढनी, जहां पे जॉब होगी आपने शिफ्टिंग भी करनी है, आपने सामान उठाना है, अपना कपड़े वगैरह उठाने, वैसे घर फर्निश्ड मिलते हैं, तो आप एक घर से सिर्फ अपने कपड़े लेके दूसरे घर में मूव कर जाते हैं, दूसरे शहर में, तो आपने ये हर 6 महीने बाद ये शिफ्टिंग आपने करनी। दूसरा ये है कि आयरलैंड में सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें। फिर भी अगर कोई आयरलैंड जाना चाहता है, तो बुरा ऑप्शन नहीं है, जो दोस्त वहां पर आयरलैंड में हैं वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और डेफिनेटली जो पाकिस्तान से जॉब ढूंढ के आयरलैंड जा रहा है, उससे ज्यादा इजी वो बंदा जॉब ढूंढ सकता है जो वहां पर है, और ऐसा ये है भी कि जो बंदा वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है उसको जॉब ज्यादा इजीली मिलती है, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये इशू तो है। जो दोस्त आयरलैंड जाना चाहते हैं, उसका ये स्टेप है, ये वेबसाइट्स आप एपिक की वेबसाइट भी देखें, आप आयरिश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट भी देखें, और उसके बाद आप पीएमडीसी में भी की वेबसाइट भी देखें, ये आपको जो है आप हर जगह पे अप्लाई करके इस तरीके से अपने अकाउंट और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के उनकी फीस पे करके आप आयरलैंड जा सकते हैं। मैक्सिमम 10 महीने से साल लगता है, बंदा आयरलैंड इजिली पहुंच जाता है बगैर किसी एग्जाम के, और वहां जाकर काम कर सकता है। ये था आयरलैंड का प्रोसेस। जो दोस्त आयरलैंड जाना चाहते हैं, वो अभी से कोशिश करें और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करें और आयरलैंड के लिए अप्लाई करें, इंशाल्लाह वो आयरलैंड जा सकते हैं।